तो या आज मैं आपको देने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के कुछ 50 प्लस FPS बूस्ट मोड्स, जिसको लगाने के बाद आपके गेम के FPS से इसमें जाने वाले हैं। और इन मोड्स को यूज़ करने के बाद आपके लो से लो एंड PC में भी 100-200 प्लस FPS आना पक्का है। तो अभी मैंने सारे मोड्स को गेम में लोड कर लिया है और आप देख ही सकते हो कि जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मेरे 100 प्लस FPS आ ही रहे हैं। तो अगर मैं गेम को रिकॉर्ड किए बिना खेलूँ तो मेरी 150 या 200 FPS आना तो एकदम फिक्स है। तो नाउ मैं आपको मोड्स मेनू दिखा देता हूँ। तो ये रहे वो सारे मोड्स। सो गाइस, नाउ मैं इन सारे मोड्स का आपको इन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और यूज़ बता देता हूँ। तो सबसे पहला मोड है हमारा 3D स्किन लेयर मोड। तो इस मोड को यूज़ करने के बाद आप जो भी कैरेक्टर या जो भी मतलब स्किन यूज़ करते हो उस पर 3D टाइप्स के मतलब 3D टेक्सचर आ जाएंगे, जैसा कि आप मेरी स्किन पर देख ही सकते हो। तो ये देखने में काफ़ी मस्त लगता है। फिर हमारा दूसरा मोड आता है एप्पल स्किन मोड। तो इसे यूज़ करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन से फूड आपको कितने सेचुरेशन पावर देती है, और आपको ये भी पता लग जाए कि आपका फूड कब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे एक येलो कलर की हाईलाइट हो जाती है कि आपका फूड अब ख़त्म होने वाला है। तो आप पहले ही से रिमाइंडेड रहते हो कि आप मुझे फूड को रिफ़िल कर लेना है। फिर हमारा आता है थर्ड मोड, वो है बूस्टेड ब्राइटनेस। तो ये मुझे बहुत ही पर्सनली पसंद है, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ डेमो ही। पहले टाइम सेट नाइट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि अभी सनसेट हो गया और पूरा अंधेरा अंधेरा अभी तक दिखने लगा है। तो अगर जैसे ही हम इस मोड को यूज़ करेंगे तो हमारी ब्राइटनेस देखो, अभी लग रहा है कि डे हो गया, बट ये डे नहीं। अभी ये अगर मैं इस मोड को अभी ऑफ़ करता हूँ तो ये देखो फिर से डार्क हो गया। तो इस मोड को यूज़ करने के बाद आप अपनी पिक ब्राइटनेस को 1200 तक कर सकते हैं, जिससे आपको फिर कोई भी मतलब नाइट विजन पोशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सर्वाइवल ये सब में बहुत यूज़फुल रहेगा। फिर हमारा फोर्थ मोड आता है, वो है क्लम्प्स। तो ये क्लम्प्स एक सिंपल मोड है जो आपके जितने भी XP रहती है उसे एक में बाइंड कर देता है, ताकि आपके FPS पर ज़्यादा असर ना पड़े और गेम भी स्मूथ चले। क्योंकि अगर वो ज़्यादा रहेंगे, अगर अलग अलग पार्टिकल्स रहेंगे तो उन सब को रेंडर करने में ज़्यादा CPU यूजेस होगी। तो इसीलिए एक ही में कर देता है, ताकि वो एक ही पार्टिकल बन जाए जिससे कि कम CPU यूजेज हो और ज़्यादा FPS आए। फिर उसके बाद हमारे पास आता है C2M मैनेजमेंट। तो ये चंक मैनेजमेंट सिस्टम है फैब्रिक के लिए, जो आपके चंक्स को एकदम स्मूथली लोड कर देगा फैब्रिक में और आपके FPS को भी काफ़ी बूस्ट देता है ये। और ये लाइट्रा इक्विप ये तो एक की बाइंड है, मतलब की बाइंड कर सकते हैं आप, ताकि आप पे लाइट्रा को इजीली इक्विप कर सके। फिर लाइट्रा और चेस्ट प्लेट स्वैपर, ये भी मतलब एक इजी मतलब स्वैपिंग के लिए आप इससे की बाइंड लगा सकते हैं, ताकि आप चेस्ट प्लेट और लाइट्रा को एक ही बटन से स्वैप कर सकें। फिर उसके बाद आता है इन्हेंस ब्लॉक एंटिटीज़। ये एक इन्हेंसिंग मोड है जो आपके ब्लॉक और एंटिटी को कस्टमाइज़ कर देती है और आपके गेम को थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज़ कर देती है, ताकि आपको बेटर FPS मिले। एंटिटी क्यूलिंग भी वैसी है, ये आपको बेटर FPS प्रोवाइड करेगी। फैब्रिक API तो एक API है जो फैब्रिक के लिए है बिल्ट। फेराइट कोर, ये फेराइट कोर होता है जो मतलब आपकी मेमोरी होती है उसके यूजेज को कम करता है और आपकी गेम को स्मूथ बना देता है, ताकि आपकी कम मेमोरी में भी गेम एकदम स्मूथ चले। फिर उसके बाद आता है FPS रिड्यूसर। तो ये एक काफ़ी अच्छा मोड है, क्योंकि अगर आप कभी भी अपने माइनक्राफ्ट को बैकग्राउंड में रन करते हैं और अगर दूसरे किसी सेकेंडरी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को खोलते हैं तो ये आपके माइनक्राफ्ट के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उसे ज़ीरो कर देता है, CPU और GPU यूटिलाइजेशन को भी ज़ीरो कर देता है उस समय। तो ये बहुत सही है, तो आप एकदम अपने सेकेंडरी जो भी आप सेकेंडरी काम कर रहे हैं उसे भी एकदम स्मूथली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मोड है हमारा फ्री कैम मोड। तो फ्री कैम मोड आपको अलाउ करता है स्पेक्टेटर मोड में जाने के लिए विदाउट गोइंग टू एक्चुअली स्पेक्टेटर मोड। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। तो अभी मैं जैसे यहाँ पे स्टैंडिंग हूँ और मैंने कीबोर्ड से F4 दबाया, फिर मैं स्पेक्टेटर में आ गया, लेकिन मेरा बंदा यहीं खड़ा है, मेरा प्लेयर यहीं खड़ा है बट मैं स्पेक्टेटर में आ गया हूँ। तो ये बहुत यूज़फुल है थंबनेल्स लेने के लिए, ताकि आप इजीली थंबनेल्स ले सकें। तो F4 फिर दबाया मैंने, फिर मैं अपने प्लेयर के अंदर फिर से आ गया। तो ये मोड भी मुझे बहुत पसंद है। फिर हमारा नेक्स्ट मोड जो आता है वो है इमिडिएटली फास्ट। तो ये आपकी रेंडरिंग परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए और गेम को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए है, सिंपल मोड एनहांस करने के लिए। फिर इंडियम, इंडियम एक सोडियम का एड ऑन है जो मतलब रेंडरिंग परफॉर्मेंस को और स्मूथ करता है। फिर इन्वेंट्री हर्ड, इन्वेंट्री हर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या है। इन्वेंट्री हर्ड ये अभी मैं F1 कर देता हूँ। हाँ, तो देखिए जैसे कि मेरे हाथ में यहाँ पर अभी शॉर्ट पकड़ी है मैंने, तो आपको यहाँ पर लिख के आ रहा है 100%। तो इससे पता चलता है कि मेरी शॉर्ट की HP 100% है। वैसे ही मैं अगर आर्मर पहनूं तो मुझे उसकी भी HP पता चलेगी कि वो कितने परसेंट है, अगर वो डैमेज है तो कितने परसेंट डैमेज है। तो ये बहुत मतलब देखने में भी सही लगता है कि इधर साइड साइड में आ रहा है, तो ये भी गेम को काफ़ी इन्हेंस कर देता है।
फिर जो हमारा नेक्स्ट मोड आता है वो है आयरिस। तो आयरिस मोड मैंने इसलिए लगाया ताकि मैं शेडर्स को यूज़ कर सकूं। ऑप्टिफाइन के किसी भी शेडर्स को अब हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने आयरिस को यूज़ किया है। और क्रिप्टन जो है वो तो मतलब क्रिप्टन एक इन्हेंस करने के लिए ताकि आपकी गेम मोर ऑप्टिमाइज हो, तो ये बेसिकली इससे आपके FPS पे असर पड़ेगा, तो आप FPS इससे बूस्ट मिल सकता है आपको क्रिप्टन मोड से। फिर लिथियम से भी आपको मतलब मिलेगा वही FPS बूस्ट मिलेगा और परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। तो जो हमारा नेक्स्ट मोड है मेलीलिब, तो ये एक लाइब्रेरी मोड है जो मतलब बेसिकली आपके क्लाइंट के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देता है। फिर मेमोरी लीक फिक्स, ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन मोड है जो आपकी मेमोरी के लीक्स या फिर मतलब रैम यूजेस को बेसिकली दायरे में रखते हुए ये आपकी गेम को स्मूथ बनाता है। माइनक्राफ्ट, ये तो हमारी गेम मेन्यू आ जाएगी ये सिंपल। फिर मोड्स मेन्यू, जितने भी मोड्स आपने लोड किए हैं वो सारे मोड्स इसमें दिखेंगे मोड्स मेन्यू में आपके। तो और नेक्स्ट मोड इज़ मॉडर्न फिक्स। तो मॉडर्न फिक्स आपकी गेम की परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है बस, और FPS आपको बेटर FPS प्रोवाइड करता है। मोर क्यूलिंग भी आपको मतलब बेटर FPS प्रोवाइड करता है, ये भी एक परफॉर्मेंस मोड है। फिर हमारा आता है मोर कॉस्मेटिक्स। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये मेरे पीछे जो विंग्स हैं और ये जो मेरे कानों में हेडफोन है ये कहाँ से? तो ये मोर कॉस्मेटिक्स के चलते मैंने इसे इक्विप किया। जैसे कि हेड पे मैंने हेडफोन पहन रखे हैं, हेड पे मैंने हेडफोन पहन रखे हैं जैसा कि आप देख सकते हो, और फिर मेरे बैक पे विंग्स आपको नज़र आ रहे हैं मेका विंग्स, तो ये भी मैंने यहीं से लगाए रखे हैं। तो आप भी इस मोड को यूज़ करके अपने कोई भी कॉस्ट्यूम को चेंज कर सकते हैं। तो ये मोड भी मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, ये भी मेरा फेवरेट मोड है। फिर आता है हमारा नो चैट रिपोर्ट्स। तो ये तो एक सर्वर के लिए मोड है, अगर आप किसी SMP या सर्वर में खेलते हैं तो ये आपके उसके लिए यूज़फुल है। नो हर्ट कैम प्लस, ये इसलिए है ताकि अगर जब भी आपको हर्ट कभी भी अगर आप डैमेज डील करें तो आपकी स्क्रीन जो शेक होती है तो इस स्क्रीन शेक को आप बंद कर सकते हैं। तो इसे टर्न ऑन या टर्न ऑफ आपकी आप पे डिपेंड है आपको करना है या ना करना। ऑफलाइन स्क्रीन और प्लेयर हेल्थ इंडिकेटर इसे छोड़ दो, क्योंकि ये मतलब उतने कोई दायरे में नहीं रखते हैं, ये उतने कोई FPS पे भी ध्यान नहीं देते हैं, बट ये आपके गेम के परफॉर्मेंस को थोड़ा बहुत इंक्रीज़ कर देते हैं इसलिए। नेक्स्ट इज़ आवर रिप्ले मोड। तो रिप्ले मोड भी मेरा एक पर्सनल फेवरेट मोड है, क्योंकि ये अलाउ करता है मुझे रिप्ले, सिनेमैटिक्स, टाइम लैप्स तीनों रिकॉर्ड करने के लिए, और ऊपर से ये मुझे हेल्प कर देता है थंबनेल्स को भी लेने में, क्योंकि मैं इसके मदद से थंबनेल्स भी निकाल सकता हूँ। तो ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मोड्स में भी आता है। फिर आता है सर्कल बॉक्स टूल टिप। तो सर्कल बॉक्स, तो इसमें मेनली आपको क्या होता है कि सर्कल बॉक्स आपको खोलना नहीं पड़ता है। अगर आप लेफ्ट अल्ट प्लस शिफ्ट दबाते हैं तो आपको उसके अंदर का सारे आइटम्स दिख जाएंगे कि उसकी उस सर्कल बॉक्स के अंदर क्या क्या है। तो अब आती है बारी सोडियम की, जो कि सबसे मेन मोड है इसमें, क्योंकि ये अलाउ करता है आपके पूरे गेम को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे कि आपका ऑप्टिफाइन है, तो ऑप्टिफाइन अब आप सोचोगे कि मैंने यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑप्टिफाइन गाइस पुराना हो चुका है और सोडियम अभी नया है, और इसमें ज़्यादा FPS आपको मिलते हैं ऑप्टिफाइन के कंपैरिजन में, तो इसीलिए मैंने सोडियम को यूज़ किया रैदर देन यूजिंग ऑप्टिफाइन। फिर हमारा नेक्स्ट मोड आता है स्पार्क। तो ये भी एक परफॉर्मेंस के लिए मोड है ताकि आपके परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। स्टार लाइट क्या करता है, बेसिकली आपकी लाइटिंग परफॉर्मेंस को फिक्स कर देता है और लाइटिंग एरर्स को भी। थ्रेड ट्विक ये है कि आपके CPU जो CPU की यूजेज है उसे इम्प्रूव कर देता है ताकि आपका गेम बेटर FPS प्रोवाइड कर सके। वेरी मैनी प्लेयर्स, ये तो अगर आप किसी सर्वर या SMP में खेल रहे हो और ज़्यादा प्लेयर्स हैं तो आपके FPS कम आते हैं, तो उसके लिए ये मोड है ताकि ज़्यादा प्लेयर्स में भी आपको एकदम अच्छे FPS मिले। फिर हमारा नेक्स्ट मोड आता है वेवी कैप्स। वेवी कैप्स से आपको क्या होता है, जो भी आप कैप्स लगाते हैं वो उसके बाद वो वेव करने लगता है एकदम मतलब मस्त लगता है, आप कैप्स लगा के देख सकते हो इसमें। फिर उसके बाद आता है वी जूम। वी जूम भी मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मोड है, जैसे मैं करते ही रहता हूँ, जैसे ये फिर मैं इधर भी जूम कर सकता हूँ, वहाँ बहुत दूर दूर तक इससे जूम कर सकते हैं, तो ये भी मतलब मुझे बहुत पसंद है मोड। तो यही थे ये सारे मोड्स। तो मैंने इन सारे मोड्स को एक जिप फाइल में कर दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जिप फाइल को डाउनलोड करके और एक्सट्रैक्ट करने के बाद अपने गेम के फोल्डर में पेस्ट करके इजिली खेल सकते हो। तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।